बुधवार को स्वयंसेवी संस्था काउंसिल ऑफ मगध वुमेन एम्पावरमेंट के द्वारा मगध उच्चतर माध्यमिक विद्यालय गांधीजी नगर कुजापी गया के प्रांगण में मासिक धर्म चक्र पर कार्यशाला का आयोजन हुआ। इस आयोजन में ट्रेनर सुश्री जागृति सिन्हा ने महिलाओं और छात्राओं को विस्तृत जानकारी देते हुए बताया कि पीरियड्स के दौरान महिलाओं को सैनिटरी नैपकिन या पैड का न मिल पाना स्वास्थ्य से जुड़ी कई समस्याओं को जन्म देता है। इन समस्याओं को दूर करने के लिए जरूरत है महिलाओं तक सैनिटरी पैड पहुंचाने और इसके इस्तेमाल की। संस्था के सचिव सुश्री तमकनत ने बताया कि पीरियड्स किसी भी महिला के स्वास्थ्य के बारे में संकेत के रूप में जाना जाता है। मौके पर संस्था के सदस्य सोनाली, अंजलि जान, निशी शांति, शहनाज बाबी आदि के साथ सैकड़ों महिलाएं और छात्राएं मौजूद रहीं। गया से सुरेश निखर की रिपोर्ट। प्लीज आप लोगों के लिए क्लैप कर लीजिए। हम लोगों के बीच में कई बार आई हैं और बहुत ही अच्छा एक मोटिव लेकर आई हैं कि जो हम लड़कियां ये औरतें लेडीज के साथ एक प्रॉब्लम जो होती है जिसको हम लोग पीरियड्स कहते हैं, है ना, तो उसके बारे में एक अच्छी जानकारी, क्योंकि अभी भी हम सब जो यहाँ पे उपस्थित है कई ऐसे बच्चे हैं जो फर्स्ट टाइम उनका पीरियड आया होगा, तो उनको मेरी होता है, ठीक है। लेकिन आज हमारे बीच में मैम जो है उपस्थित, वो आपको पीरियड से रिलेटेड क्यों क्या कह सकते हैं सावधानी बरतनी चाहिए, इन चीजों के बारे में आपको बताएंगी। तो हमारे साथ तमकनत मैम भी हैं और जागृति मैम भी हैं, तो आप लोग प्लीज काइंडली आप हमसे रिक्वेस्ट है, आपके मन में अगर कोई ऐसा सवाल है तो वो भी आप रेज कर सकते हो। हम यहाँ पे आप लोगों के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए खड़े, मैं यहाँ पे जितने भी हैं पेरेंट्स इवन हैं इवन टीचर्स एंड स्टूडेंट्स, आप लोगों से रिक्वेस्ट है अगर कहीं पे भी कोई भी आपको एक भी तरह सा की लगता है कि पीरियड्स क्यों होता है, या उस समय में कई ऐसे पेरेंट्स हैं जो बहुत सारे क्या बोलते हैं ऑब्जेक्शन लगा देते हैं, अचार मत छुओ, हाँ, और नहाओ मत, बहुत सारी चीजें हैं, मुझे ये सब मैं जानती हूँ थोड़ा, तो वो होना चाहिए या नहीं होना चाहिए ये आपके मन में अभी भी दुविधा है, तो आपके मन में कोई भी क्वेश्चन है आप प्लीज रेज करना क्वेश्चन, और मैम यहाँ पे है आपके हर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो ओवर टू मैम। दीदियों सभी विभाग का नमस्कार, मैं सचिव हूँ काउंसिल ऑफ मगध वुमेन एम्पावरमेंट के अंतर्गत मासिक धर्म चक्र का वर्कशॉप किया गया जो मगध हायर सेकेंडरी स्कूल गांधी जी नगर कुजापी गया के कैंपस में हो रहा है, जिसमें पढ़ने वाली सारी लड़कियां हमारे पास हैं और उनकी फीमेल पेरेंट्स हैं हमारे साथ। यहाँ की जो क्षेत्रीय महिलाएं और उनकी जनप्रतिनिधि को भी शामिल किया है। हमें यहाँ भारत में मैक्सिमम 60-65% औरतों के पास पैड अभी नहीं पहुँचा, वो अभी भी सूखे पत्ते घास कपड़े यूज कर रहे हैं, यहाँ तक कि गोबर गोठी का राख यूज कर रहे हैं उस खून को रोकने के लिए, कि हम कैसे रोकें, क्योंकि उनके पास इंफॉर्मेशन नहीं है, उनके पास अवेयरनेस नहीं है कि हमारे पीरियड जो आ रहे हैं उनको कहाँ से रोकें, क्योंकि उनके पास पैड नहीं पहुँच रहा है। हम जो काम कर रहे हैं यहाँ वर्कशॉप में सैनिटरी पैड का यूज़ भी बता रहे हैं और हम डिस्ट्रीब्यूट भी जगह जगह पर भी और अपने बच्चों में भी कर रहे हैं। ये हमारा काम है कि हमें वुमेन में एम्पावरमेंट को बढ़ाना है, उनकी सोच को बढ़ाना है कि पीरियड्स हमारी कमजोरी नहीं है, हमें ईश्वर का दिया हुआ वरदान है, उसको हम राख घास और पत्ते से बर्बाद नहीं करना, क्योंकि हमें इन्फेक्शन इसी से लग रहा है। अभी यूटेरिन कैंसर हो रहे हैं लेकिन हम लोग देखते हैं टाउनशिप में लोगों को, तो वो ऑपरेशन कराए कुछ भी, लेकिन जो रूरल एरिया में बिल्कुल हो रही है, यानी कि आदिवासी क्षेत्र में ज़्यादा औरतें यही समय जा रही हैं क्योंकि वो गलत चीज़ यूज़ कर रही हैं। तो हम वर्कशॉप जगह जगह पे करते हैं, सिर्फ इसीलिए करते हैं कि हमारी औरतों को मालूम चले कि पीरियड में हमें क्या यूज़ करना है। हम पीछे इसमें अगर हमारा समाज एजुकेशन में पढ़ाई में पीछे, अगर सोशल आगे सोच नहीं हमारी बढ़ रही, सबके बीच में काम करता है,
जैसे एजुकेशन, सोशल वर्ड यानी कि समाज को बढ़ाने के लिए काम करता है। यही हमारा मिशन है और हम लोगों का सबका मन मैन सिर्फ यही है कि हम अपने समाज को लेकर आगे बढ़ाना।